हेलो फ्रेंड्स, आज का रेसिपी है मटन करी। सबसे पहले हम इस मटन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए मटन में हम डालेंगे दही, हल्दी और नमक। फिर हम लेंगे टोमेटो और रेड चिली पेस्ट, ऑनियन पेस्ट, मस्टर्ड ऑयल, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, तेज पत्ता, साबुत जीरा, गरम मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो चलिए मटन बनाने की प्रोसेस में। अब हम गरम कुकर में डालेंगे तेल। ध्यान से डालिए। तेल गरम होने के बाद हम डालेंगे साबुत जीरा और तेज पत्ता। अब हम कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे ताकि जीरा थोड़ा पक जाए। अब हम मैरिनेटेड मटन को डाल देंगे। ध्यान से डालिए। ध्यान रखिए कि मटन अच्छे से फ्राई हो। बिल्कुल ऐसे ही फ्राई कीजिए जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। मटन को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इससे मटन का जो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको बीच बीच में ऐसे फ्राई करते रहिए। अब हम सारा ड्राई मसाला डाल देंगे। मैंने यहाँ धनिया पाउडर डाला, डालेंगे जीरा पाउडर, और हल्का सा फ्राई कर लीजिए। अब हम डालेंगे ऑनियन पेस्ट, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, और टोमेटो चिली पेस्ट। इस पेस्ट से बहुत अच्छा कलर आता है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे थोड़ा टाइम तक पकाइए ताकि मसाला अच्छे से पक जाए और मसाला का टेस्ट भी आ जाए। कुछ समय ऐसे ही फ्राई करते मीडियम फ्लेम में। ऐसे ही फ्राई करेंगे। इसे तब तक फ्राई कीजिए जब तक मसाला तेल छोड़ने लगे। देखिए मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब हम डालेंगे गरम मसाला। ऊपर मिला देंगे। अब हम डालेंगे गरम पानी। आप ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। गर्म पानी से टेस्ट अच्छा आता है करी का। इसे ऊपर मिला दीजिए। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर 7-8 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। खोल दीजिए।
देखिए कितना अच्छा कलर आया है मटन का। एक बार फिर से गैस स्टोव चलाकर हम डालेंगे धनिया लीव्स, इससे बहुत अच्छा एक प्लीजेंट सेंट आता है करी में। अब हम स्टोव बंद कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बना है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसे हम पराठे या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे ऑनियन और थोड़ा सा धनिया पत्ता के साथ गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आया है तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर करना भी।